कर्ज के ढेर में दबता मध्य प्रदेश, विकास गाथा या आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की एक ऐसी समस्या पर चर्चा करेंगे जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ। 20 फरवरी को मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जो इस वित्तीय वर्ष में तीसरी बार कर्ज लेने की घटना है। कर्ज का दायरा जनवरी और फरवरी में 5,500 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही लिया जा चुका है। 20 फरवरी को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, कुल कर्ज 10,500 करोड़ रुपए। मार्च 2024 तक राज्य का कुल कर्ज अनुमानित तौर पर 3.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। चिंताएं और सवाल, आखिर क्यों सरकार को इतना कर्ज लेना पड़ रहा है? क्या विकास कार्यों के लिए इतना भारी कर्ज उचित है? बढ़ते कर्ज का बोझ आम नागरिकों पर कैसा असर डालेगा? क्या ये आने वाली पीढ़ी पर आर्थिक बोझ थोपने जैसा है? क्या कर्ज के भुगतान के लिए भविष्य में करों में वृद्धि की आशंका है? क्या कर्ज को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं है? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ता कर्ज राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अस्थिरता का कारण बन सकता है। कुछ का कहना है कि राजस्व बढ़ाने के उपाय न किए जाने से सरकार कर्ज के दलदल में फंसती जा रही है। कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि खर्चे में कटौती और निजी निवेश आकर्षित करने की नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भव्य और अनावश्यक परियोजनाओं पर पैसा खर्च कर रही है। उनका कहना है कि सरकार की अदूरदर्शिता और कुप्रबंध का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कर्ज का इस्तेमाल वास्तव में जनहित में हो रहा है या फिर चुनावी लाभ लेने के लिए किया जा रहा है? सरकार का पक्ष, सरकार का कहना है कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना जरूरी है। उनका दावा है कि कर्ज का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में हो रहा है। सरकार का मानना है कि कर्ज से दीर्घकालीन लाभ होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मध्य प्रदेश की कर्ज की कहानी राष्ट्रीय तुलना और गंभीरता, ये ध्यान देना जरूरी है कि मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य नहीं है जो कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के कई राज्यों पर भारी कर्ज है और ये चिंता का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हालांकि मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक गंभीर है। 2022-23 की रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश का कर्ज GDP अनुपात 30% से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत 23.7% से काफी अधिक है। इतना ही नहीं, अनुपात लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। कर्ज का प्रभाव नागरिकों पर बोझ, बढ़ते कर्ज का बोझ आम नागरिकों को भी प्रभावित करता है। कर्ज चुकाने के लिए सरकार मजबूर होकर करों में वृद्धि कर सकती है या आवश्यक सेवाओं पर खर्च कम कर सकती है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन जैसा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता कम हो सकती है, जो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करेगी। कर्ज का भुगतान करने के लिए ब्याज दर भी एक महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती ब्याज दरों से सरकार के पास विकास कार्यों या सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के लिए कम धन शेष रह जाता है। आगे का रास्ता समाधान तलाशना जरूरी। मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज के जाल से निकलने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले सरकार को राजस्व बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सुधार करना, कर चोरी रोकना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। साथ ही खर्चे में कटौती भी जरूरी है। अनावश्यक और अकुशल योजनाओं को कम करने या उनका पुनर्गठन करके बचत की जा सकती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी वित्तीय सहायता की मांग कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्ज का इस्तेमाल उचित तरीके से हो रहा है। क्या सरकार को वैकल्पिक तरीकों से धन जुटाना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए द खबरदार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।
शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट को पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।